अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मट पुलाव की रेसिपी। अगर गर्मियों में आप ये सिंपल और हेल्दी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें कुकर गरम करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम सुनहरा कलर होने तक भून लेंगे। साथ ही में हम इसमें कुछ गरम मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची का मैंने इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे और ये देखिए प्याज भी हमारी सुनहरी कलर की हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम मठ जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा हुआ था, और साथ में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का आलू कटा हुआ। मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ, 3 हरी मिर्च कटी हुई और 8 से 10 कड़ी पत्ता। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमें मिक्स करते हुए यहाँ पर आधे से 1 मिनट के लिए भून लेना है। तो ये आधा मिनट भुनने के बाद अब हम इसे ढककर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अच्छी तरह से ये मसाले भुन गए हैं। तो अब हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तेल छूटने लगा है, इतना हमने भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 ग्लास जितना चावल। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कोलम राइस का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से हमें यहाँ पर 1 मिनट चावलों को भी भून लेना है। और 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर लेना है। तो ये मैंने पानी ऐड कर दिया। मिक्स करेंगे। पानी हमको चावलों से 1 इंच ऊपर तक रखना है, इतना पानी हमें ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप यहाँ पर चक्कर ऐड कर दीजिएगा, हमने पहले भी नमक ऐड किया है तो उस हिसाब से यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 प्रेशर ले लेंगे।
दो प्रेशर आने के बाद पूरा प्रेशर हम नॉर्मल होने देंगे। ये देखिए पूरा प्रेशर अपने आप नॉर्मल हुआ है। उसके बाद हम कुकर की लीड ओपन करेंगे और ये हमारा मठ पुलाव बनकर तैयार है। गर्मियों में सिंपल और हेल्दी रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही टेस्टी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।